गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। और इस बार क्या हमारा मैटर है, तो हम लोग जो 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो क्वेश्चन आए थे उसका अध्ययन कर रहे थे, उसमें अब हम आज हम लोग क्या करेंगे, तो 91 से 150 तक का क्वेश्चन है, इसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जरूर विजिट करें हमारे चैनल पर, देखें और अपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। तो इन सब बातों के साथ शुरू करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, इन लोगों ने पास किया क्या कि भारत छोड़ो प्रस्ताव, कब, तो 1942 में, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और कहाँ हुआ था, तो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में ये अधिवेशन हुई थी। और देखते हैं, और कुछ, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती दी और कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इन्होंने धमकी दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहाँ, तो वर्धा में। अब उसके बाद क्या होता है, 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, तो बम्बई के ऐतिहासिक क्या, तो ग्वालियर टैंक मैदान में। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने कहा, करो या मरो, डू या डाई, और हम आज़ादी लेंगे नहीं तो मर जाएंगे। दुख की बात है, न ही उस समय आज़ाद हुआ देश, न वो मर पाए, लेकिन आज़ाद 1947 में हो जाता है। क्यों, इसी के कारण हुआ, अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत में वो नहीं रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार यानी INA वाली बात हो रही है, किससे, इसे कौन जुड़े थे, तो सुभाष चंद्र बोस। तो 21 अक्टूबर 1943 को, क्लियर है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महात्मा गांधी, ये सभी संबंधित हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण का पहला बार नाम कब आता है, तो 1934 में इनका अस्तित्व में आते हैं। और इन्होंने क्या बनाया, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसका गठन कहाँ किया था, पटना के अंजुमन इस्लामिया कॉलेज में, जिसमें ये क्या बने थे उसके सचिव और अध्यक्ष, कौन, तो आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता कब हो जाते हैं, तो 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने खूब तोड़फोड़ की राजनीति की थी, इसे काफ़ी चर्चा में आ गए थे। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध क्या था, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका नाम जुड़ा है, किसका, तो स्वामी सहजानंद। इनका क्वेश्चन बार बार आता है, तो देख लेते हैं, बिहार के किसान आंदोलन के नेता कौन, तो स्वामी सहजानंद थे। और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। ये कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष, मतलब कि अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापित किया और करने वाले नेता में अध्यक्ष, तो कौन, तो स्वामी सहजानंद। और महासचिव, तो NG रंगा थे। 45वें नंबर में आते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो सविनय देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, लेकिन बिहार में तो समुद्र नहीं था, तो अब क्या हो, तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। बिहार के पास कोई समुद्र तट न होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था। ये बात गलत है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1936 से पहले हुआ था ना, उस समय तो उड़ीसा था ना बिहार में। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि ये लोग कहते हैं कि बिहार के पास समुद्र तट नहीं था, क्यों नहीं था, उड़ीसा तो बिहार में ही था उस समय, लेकिन छोड़िए बात, ये लोग दूर जाने के चक्कर में नहीं गए होंगे। और बिहार के पास कोई समुद्र तट न होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की जनता ने चौकीदारी कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। और गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के, कौन, तो शाहबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, कब, तो 1917 में हुआ था, 1917 याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इसी साल चंपारण सत्याग्रह भी होता है। 97वें नंबर, 1908 के छोटा नागपुर कस अधिनियम ने रोक लगाई, क्या, खुटकट्ठी भूमि व्यवस्था। तो खुटकट्ठी क्या है, तो जंगल झारखंड में मुंडाओं द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई मूल कृषि भूमि, क्या कहलाती है, खुटकट्ठी, यानी वे लोग स्लैश एंड बर्न कृषि करते थे, यानी जंगल आज भी होता है नॉर्थ ईस्ट में, जंगल को जला देंगे, खेती करेंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर बंजर हो जाएगा, फिर दूसरा जंगल जलाएंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ जंगल हो जाएगा,
तो ये क्या होगा, खुटकट्टी, यानी गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ खेती करते थे, तो उसको कहा जाता था खुटकट्टी। लेकिन 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम द्वारा इसको रोक लगा दिया गया और कहा गया कि हम आपको कुछ ज़मीन देते हैं और आप यहीं तक सीमित हो जाइए, सेटल हो जाइए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज का तो मुख्य लक्ष्य था क्या, टैक्स लेना। अगर कोई व्यक्ति अस्थायी नहीं रहेगा तो वो टैक्स कैसे लेंगे। इसीलिए उन्होंने ये सारे काम किए, जितने भी सेटलमेंट है अंग्रेजों ने क्यों किया, क्योंकि उनको टैक्स लेने में आसानी हो। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उस उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। ये किसकी बात है, तो ये 1946 की बात है। किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उस समय 1946 में क्या हुआ था कि 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों ने क्या मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, और जिसके बाद में क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में भयंकर दंगे हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, बिहार उसके जवाब में हिंसा होती है और यहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू किया। अब पटेल साहब क्यों बोले यह नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है तो अच्छी बातों के लिए ही बोला होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। किसकी, तो सोशलिस्ट पार्टी की। कब हुई थी, तो 1934 में, कहाँ, तो अंजुमन इस्लामिया कॉलेज में। इसे पहले हम पढ़ चुके हैं और 100 नंबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली कहाँ हुई थी, हम देख चुके हैं 1934 में। दूसरा आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण होता है। तो इसका आंदोलन किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। मतलब ये लोग क्यों भी गए थे कि हमें बंगाल के साथ नहीं रहना है। तब क्या हुआ, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जो भाषा के आधार पर था। अब क्या होता है कि पहले वो धर्म के आधार पर था, अब भाषा के आधार पर एक बार फिर बंटवारा होता है और इस बार बंगाली लोगों को अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा को एक साथ एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाती थी और जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो पटना। और आगे बढ़ते हैं 101 नंबर, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन है भाई, ये बुध है और शुक्र का भी तो कोई उपग्रह नहीं है। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय धारा है। क्या है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो कौन है, हर कोई जानता है, आसान क्वेश्चन, चीन। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है और ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। क्या, तो यहाँ पर सोना मिलता है। और यहाँ की नाम क्या है, तो रेंड पहाड़ी, पहाड़ी के नाम है रेंड। और सबसे बड़ी स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है यहाँ का जोहान्सबर्ग तथा ट्रांसवाल प्रांत में स्थित किम्बरले स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। पिग्मीज निवासी हैं, तो पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं, तो पिग्मीज अभी भी क्वेश्चन आता है, ये अफ्रीका के निवासी हैं। क्या, तो पिग्मीज कहाँ के, तो अफ्रीका के। पिग्मीज अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो बेसिन के घने जंगलों और भारत में, कहाँ, तो अंडमान यानी भारत, मलेशिया, सुमात्रा एवं फिलीपींस के निवासी है। और इनका मैटर क्या है, इनका रंग बहुत काला और इनका हाइट बहुत छोटा होता है। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो आएगा गाडविन आस्टिन। और पूछे कि भारत में, तो कंचनजंगा, ऐसा मैं क्यों कहा, क्योंकि ये POK में है, पाक ने इस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन है तो कागज पर भारत का ही ना। और ये हिमालय की नहीं है, हिमालय की पूछे तो कंचनजंगा, ये ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है, क्लियर है। और इसका ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण ये याद कीजिए कैनोजोइक एरा में, कब, कैनोजोइक काल में, कैनोजोइक। और रेगुर नाम है, तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है, तो रेगुर क्या है, तो ये काली मिट्टी का ही नाम क्या है, तो रेगुर है। और दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये अनूठा है, क्यों, दिल्ली, पांडिचेरी और अब कुछ दिन में जम्मू कश्मीर भी वैसा ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक मुख्यमंत्री भी होगा, यहाँ पर विधानसभा भी होती है। और कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद में 4 राज्य हैं, कौन कौन, तो एक कर्नाटक, तमिलनाडु तो दिया ही हुआ है, और भी आगे हैं इसमें कौन कौन, तो एक पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और केरल का भी कुछ क्षेत्र इसे संबंधित रखता है।
और गारो जनजाति है, तो गारो क्या है तो मेघालय की जनजाति है, कौन तो गारो, मेघालय में क्या है तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पहाड़ी के नाम पर, इस पर रहने वाले जो जनजाति ट्राइब है उनका नाम इन्हीं पहाड़ों पर ही रख दिया गया है। 112 नंबर में क्या है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, क्या तो भाखड़ा नंगल तो ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान की है, और क्या है तो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे मतलब डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बांध है, हाइट वाला बांध है, बांधों में यह सबसे बड़ा है। इस बांध के पीछे एक झील है, उसका नाम क्या है, झील हो गया तो गोविंद सागर झील, और कोंकण रेलवे जिन राज्यों को जोड़ती है वो कौन कौन है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है, और देख लेते हैं इसका डिटेल से, गोवा सॉरी कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और कर्नाटक स्थित बंदरगाह नगर कौन तो मंगलोर यानी अब मंगलूर को जोड़ने वाली एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी लंबाई कितनी है तो 741 किलोमीटर लंबी है, लाइन के रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, इस रेल मार्ग पर रेलवे स्टेशनों की संख्या 59 है, यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। इस क्षेत्र में इस रेल मार्ग जिस क्षेत्र में इस रेल मार्ग यह अवस्थित है वह क्षेत्र आर पार मन बहुत सारी नदियाँ, गौरी घाटियाँ, आसमान छूते पहाड़ और कोंकण जमीन की एक तटवर्ती पट्टी है, जहाँ पर पूर्व में सह्याद्री पर्वतमाला यानी महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला उसको क्या कहते हैं तो सह्याद्री कहते हैं, और उसके पश्चिम में अरब सागर है। इस दुर्गम क्षेत्र में रेलवे निर्माण का कार्य कठिन था, शुरू कब हुआ तो 1990 में, ख़त्म कब हुआ तो तत्काल ही मतलब कि 2000 करीब ख़त्म हो गया। और आगे बढ़ते हैं, 1998 से यह काम पूर्णतः मतलब कि क्या कहें इसको, ये रेल लाइन परिचालित हो गया था, क्लियर है। और 114 नंबर में क्या है अब कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो क्या है, इसमें पारसनाथ पहाड़ी से भी पूरी पुरानी है, राजमहल पहाड़ी से भी पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित है, नवीन पर्वत श्रेणी है, और नेपाल की और यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में है, राजपहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन उठता है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी क्या है, ये इन सबसे नई है, ये सभी तो पुरानी है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण है इसमें। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश क्षेत्र में, और ये बिहार में ना ये झारखंड में प्रवाहित होती है, और भारत में भ्रंश से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन कौन, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियाँ क्या हैं तो भ्रंश से प्रवाहित होती हैं, और इस सब में कोयला मिलता है, और दामोदर में क्या है तो तेनू घाट बांध परियोजना किस पर है तो दामोदर नदी पर है, और इस पर बहुत सारे बांध हैं और इसके सहायक नदी जैसे कुनार, जमुनिया, बराकर आदि इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और बराकर से संगम के पश्चात ही दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है, और झुमरी तिलैया में जो डैम है वो कहाँ है तो इसी बराकर नदी पर बनाया गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 48% तो कम है, अब कितना है तो मात्र लगभग 7% है, पहले अधिक था लेकिन झारखंड तो अलग हो गया। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है तो ये कहाँ है तो ये रांची में था, मतलब जब झारखंड और साथ था तो रांची में थी, लेकिन अब तो रांची और झारखंड में है। मुरी जाना जाता है तो मुरी क्या है तो मुरी झारखंड में है, अब ये एल्यूमिना प्लांट के लिए जाना जाता है मुरी। बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो मैथन ये झारखंड में है, और ये कहाँ तो जल शक्ति का उत्पादन करता है कौन तो मैथन, और मैथन कहाँ है तो ये मैथन बांधव झारखंड राज्य में पड़ता है और यह बराकर नदी पर है। और भारत में बिहार अग्रणी था किस चीज़ में तो अबरक में, यानी जब झारखंड था तो, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी क्या नाम है उनका तो उनका नाम है एंटोनी गुटेरेस, और कहाँ के तो पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे कहाँ इराक के, और इराक में तो हाल ही में एक नया राष्ट्रपति बना है आज ही, और अग्नि नाम जुड़ा हुआ है तो ये भारत के द्वारा तैयार की गई एक एंटी बैलिस्टिक सॉरी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, अब तो ये कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ है तो हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ तो हेग में है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और अब हाल ही में चर्चा क्या है तो
स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये क्या है तो भारत में गुजरात में, कौन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल मूर्ति है जिसका हाइट 182 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था, तो यह नेल्सन मंडेला, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन है, अभी हैं बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर ना। 1998 में किस देश ने शारजाह कप को प्राप्त किया था, अब ये नहीं होता है, और शारजाह कहाँ है तो ये अबू धाबी दुबई की रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, अभी तो मोदी सरकार है, और बिहार के गवर्नर कौन है तो अभी वर्तमान में फागु चौहान, और करुणानिधि मुख्यमंत्री से कहा कि तमिलनाडु के मर गए, और जयललिता भी ये भी कहा कि तो मुख्यमंत्री कहा कि तमिलनाडु ये भी मर गए, वर्तमान में कौन है तो अभी पनीर सिल्वम, ये अभी पलानी स्वामी है, और ये कहा कि तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और मद्रास का नया नाम चेन्नई है, और भारत के 12वीं लोकसभा निर्वाचन हुआ था, तो अभी इस बार कहना है तो ये 16वां है, और कब हुआ है तो 2019 की बात है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी डॉक्टर वेंकैया नायडू अभी राज्यसभा के चेयरमैन हैं, क्लियर है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है तो संविधान के 64वें आर्टिकल में इसका वर्णन है। और खमेर रोस तानाशाही दल, क्या खमेर, तो ये कम्बोडिया का है, कम्बोडिया क्या है तो हिंद चीन के देश है जो आसियान में 10 देश है उसमें से एक कम्बोडिया भी है, और लाओस इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री है। और प्रसिद्ध पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा किस संबंधित, तो चिपको आंदोलन यानी ये पेड़ को बचाते थे, किसे तो टिहरी आंदोलन के समय उत्तराखंड में जो जंगल काटे जाते थे पहले उससे संबंधित थे, और वही नर्मदा बचाओ से कौन जुड़ी हुई थी तो सुंदरलाल बहुगुणा। 1998 में बेहतरीन फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था तो टाइटेनिक को, लेकिन इस बार तो किसको मिला है, इस बार मिला था रोमा, रोमा को ही मिला था। दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिसने रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, हैं बोल्शेविक और मेंशेविक। कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन संबंधित हैं, तो चंदन कहाँ होता है, वर्तमान क्वेश्चन तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। गीत सेठी अभी भी क्वेश्चन तो ये स्नूकर से संबंधित है। विमेंस डे यानी महिला दिवस मनाया जाता है, तो कब है, 8 मार्च को। और 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला, तो 20वीं शताब्दी का आखिरी तो कहाँ, हरिद्वार में हुआ था, और इस बार कहाँ हुआ है तो इलाहाबाद में, ये अर्ध कुंभ था। और 1942 प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में, तो 142 में क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर राष्ट्रपति को मतलब अपना अपनी राय देते हैं और उस पर केंद्र क्या करेगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी। 1998 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, अभी कौन है, माइकल पेंस। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, नहीं था, अब तो अफगानिस्तान भी है। और पार्लियामेंट में 1997 में प्रसार भारती पेश हुआ था, तो उस समय यानी सूचना मंत्री कौन थे, तो जयपाल रेड्डी। और अभी सूचना मंत्री कौन है, ये बिहार के, इनका नाम क्या है, यह है रविशंकर। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। हुडको, हुडको का अर्थ होता है, हुडको महत्वपूर्ण है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको। इजराइल देश का निर्माण हुआ था ये ज्यूसो के द्वारा, और टू स्टेट थ्योरी किसने ये दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इसी का आधार पर एक और देश बना था, वो तो है इजराइल और फिलिस्तीन का, तो 1947 में। और यहाँ भी वही मुद्दा है जो भारत और पाकिस्तान में मुद्दा है, सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, तो यही ईरान के धार्मिक प्रमुख कौन, तो आयतुल्ला खमैनी। और सलमान रुश्दी का वर्तमान में इन्होंने एक और किताब लिखा क्या, तो क्यों चोटे। और मदर टेरेसा का जन्मभूमि क्या है, तो अल्बानिया। इसी के साथ 42वीं प्री यानी कब, तो 1998 में हुई थी उसका ये प्री का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब क्या करेंगे तो 43वीं जो प्री हुई थी कब, तो 1999 में उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आशा करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तब तक धन्यवाद।